रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ रोका सेरेमनी के बाद मुंबई में बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में अंबानी परिवार के करीबी दोस्तों के अलावा कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई और सभी ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को रोका सेरेमनी की बधाई दी। मुंबई में हुई इस पार्टी में रणबीर कपूर और रणवीर सिंह समेत फिल्म जगत की कई हस्तियां शामिल हुई। एक दिन पहले ही राजस्थान के नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का रोका हुआ था। उस समारोह में अंबानी परिवार के करीबी दोस्त ही शामिल थे। उधर पटना के पास मनेर में एक नाव अचानक नदी में पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही वहां फौरन पुलिस और रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई। बताया गया कि नाव में 14 लोग सवार थे, जिनमें 7 लोग नाव पलटने से लापता हो गए, जबकि 7 लोग किसी तरह तैरकर नदी से बाहर आ गए। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुट गई। 7 आदमी तैर के चल गए, निकल गए और 7 आदमी डूब गए। हादसे का शिकार हुई नाव में सवार सभी 14 लोग मजदूर बताए गए, जिनमें लापता हुए लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ की मदद दी जा रही है। उधर अमेरिका और रूस बांग्लादेश के सियासी मामले पर भिड़ गए और वहां बने दोनों देशों के दूतावासों के बीच जबानी जंग छिड़ गई। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता करीब 9 साल से गायब हैं और रूस और अमेरिका इसी मुद्दे पर लड़ पड़े, क्योंकि अमेरिका ने इसे मानवाधिकार हनन का मामला माना और बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत ने बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लापता नेता के घर का दौरा किया, क्योंकि आरोप है कि 2013 में बीएनपी के इस बड़े नेता को जबरदस्ती गायब करवाया गया था। 2013 में जिस समय यह घटना हुई थी, तब से अब तक वहां शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की सरकार है, जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बीएनपी ने प्रदर्शन भी किए। लेकिन ये मामला बांग्लादेश का अंदरूनी सियासी मामला ही माना जाता रहा, लेकिन अमेरिका के इस मामले में कूदते ही पूरा रंग बदल गया, क्योंकि अमेरिकी राजदूत ने केवल बांग्लादेश में नहीं बल्कि अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत के सामने भी ये मुद्दा उठाया, जिसके बाद रूस भी इस मामले में कूद पड़ा। क्योंकि 14 दिसंबर को अमेरिकी दूतावास ने कहा कि वो मानवाधिकार के हनन के सभी मामलों को गंभीरता से लेता है, जिसके बाद 20 दिसंबर को बांग्लादेश में रूस के राजदूत ने बयान दिया कि बांग्लादेश जैसा देश किसी और देश के निर्देश के मुताबिक नहीं बल्कि अपने हिसाब से आंतरिक नीति तय करता है। रूस ने जैसे ही ये बोला, अमेरिका इस मामले में यूक्रेन को घसीट लाया और रूस से पूछा कि क्या ये बात यूक्रेन पर भी लागू होती है। साफ है कि अमेरिका का इशारा यूक्रेन में चल रही भीषण जंग की ओर था, यानी बांग्लादेश के बहाने दोनों महाशक्तियां फिर टकरा गईं। रूस ने एक बार फिर कहा कि अमेरिका जबरदस्ती किसी देश के घरेलू मुद्दे में नाक घुसा रहा है, क्योंकि वो यूक्रेन के मुद्दे को रूस का घरेलू मामला मानता है और अमेरिका के इस मामले में बोलने के खिलाफ है। इस बीच उत्तराखंड में 2 जनवरी तक 24 घंटे होटल और ढाबे खुले रहेंगे। नए साल पर पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यह फैसला लागू किया, जिसके मुताबिक होटल के अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे और चाय की दुकानों समेत दूसरी खाने की दुकानें भी खुली रहेंगी। राज्य में आने वाले पर्यटकों को 2 जनवरी तक 24 घंटे ये सुविधा मिलेगी। इससे पहले हिमाचल सरकार ने भी 2 जनवरी तक 24 घंटे होटल और खाने की दुकानों को खोलने का फैसला लिया था।